सब्र पर कायम रहो, ऐलान हक खसारे से बचने के लिए जरूरी है। बात बात मुकम्मल हो गई, ऐलान हक जरूरी है खसारे से बचने के लिए। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं, कुछ याद है? याद होगा के इब्ने साद, देखो बड़ा नाजुक मरहला है गुफ्तगू का, और मुझे दो चार जुमले मसाइब के अर्ज करने हैं। इब्ने साद फौज यजीद का कमांडर करबला के मैदान में, याद है कि उसने यह कहा था कि मैं इस शर्त पर हुसैन का सर लाऊंगा कि मुझे राय की हुकूमत दे दी जाए, याद है ना? बड़ा मशहूर वाक्या है कि मुझे राय की हुकूमत का परवाना दे दिया जाए। उसे राय की हुकूमत का परवाना दे दिया गया कि अमल दरामद इस परवाने पर उस वक्त होगा जब तो हुसैन का सर लाएगा करबला के मैदान में। सुनना, करबला के मैदान में जब पेशरे सात की मुलाकात हुई है हुसैन इब्ने अली से, तो हुसैन ने कहा कि पेशरे सात मेरे कत्ल से बात आ जा मेरे कत्ल से, मेरी निगाहें देख रही हैं कि तुझे राय का गंदुम खाना भी नसीब नहीं होगा। इमामत बोल रही थी, राय का गंदुम खा, मुल्क के राय का गंदुम खाना भी नसीब नहीं होगा। उसने तमस्खुर में जुमला कहा कि हुसैन कोई परवाह नहीं, अगर मुझे राय का गंदुम न मिले मैं राय की जौ पे गुजारा कर लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया आशूर के दिन का जुमला पेशरे साथ का। और करबला के वाके के बाद जब परवाने को वापस लेकर फाड़ दिया गया और इब्ने साद को शहर बदर कर दिया गया, तो एक शख्स रास्ते में मिला और कहा, इब्ने साद कल तक तो राय का परवाना लिए घूम रहा था और आज जलीलो खार घूम रहा है, यह बात क्या है? तो उसने बेख्तियार सूरा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, और कहा, पूछने वाले ये वही खसारा है जो मुझे नसीब हुआ। यह तारीख है और इन्हें अपने जहनों में गिरा देकर बांध लो, काम आएंगी ये बातें। पेशरे साद ने यह सूरा पढ़ा, असरे इन्नल इंसान रफी खुसरिन, इंसान खसारे में। भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बात मुकम्मल होने जा रही है। पेशरे साद ने आशूर के दिन जब पहला तीर फेंका है ना खयाम हुसैनी की तरफ, तो कहा था लश्कर वालों गवाह रहना कि मैं पहला तीर खयाम हुसैनी की तरफ मैं फेंक रहा हूं, और यजीद के दरबार में गवाही देना। ठीक है, पेशरे साद ने किसे गवाह बनाया? यजीद के लश्कर को। और अब हुसैन की गवाही सुनोगे, जब अकबर चले तो कहा, परवरदिगार तू गवाह रहना। बस अजरकुम अल्लाह। आपने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई।